सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रेणुका हायस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराले एम व्ही आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय हिंदी कक्षा दसवीं लेक्चर नंबर 5 टॉपिक नेम वारे हमदर्द। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, और इस प्रकार अगर दर्द होता है तो मरीज को नींद नहीं आती। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। और कुछ लोग जो मरीज होते हैं उससे औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती। ऐसे लोगों को मरीज से कोई सहानुभूति नहीं होती, वे सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। और इस प्रकार वे लोग सिर्फ अपना मुंह दिखाकर वापस चले जाते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए तो मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। लेखक ने निश्चय किया कि आज कोई भी मिलने के लिए आएगा तो मैं आँख नहीं खोलूँगा, शांत पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया हुआ जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंत उन्होंने मुझे धीरे धीरे खिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? और इस प्रकार ऑफिस के जो बड़े बाबू है वे मिलने आए थे, लेखक सोए हुए थे। लेखक को कैसा पता चलेगा कि ऑफिस के बड़े बाबू आए थे? तो इसलिए उन्होंने लेखक की जो टूटी हुई टांग है उसी हिस्से को जोर से दबाया। लेखक को दर्द हुआ और दर्द के मारे चीख उठे और आँख खुली तो उन्होंने देखा ऑफिस के बड़े बाबू है, उनसे कह रहे हैं, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं और मोहल्ले के जो लोग हैं अपने जैसा उन्हें समय मिलता है उसके अनुसार वे आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। तो इस प्रकार सोनाबाई और उसके 4 बच्चे लेखक को मिलने आए तो लेखक को लगा कि आज कोई और भी दुर्घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा और आते ही उन्होंने लेखक को और इशारा करते हुए सोनाबाई ने अपने बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे और इस प्रकार सोनाबाई के जो 4 बच्चे हैं वे बहुत ही शरारती है, वे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी और सोनाबाई की जो लड़की है वो दवा की शीशी लेकर कथकली नाम का डांस करने लगी है। रब रब की आवाज़ ने मेरा ध्यान बताया और रब रब की जो ध्वनि है यह सुनकर लेखक का ध्यान उधर गया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। तो एक लड़का जो रेत की थैली है उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और जो लड़की है उसने तो दवा की शीशी फोड़ दी है। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा यानी गुस्से से देखा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ।
अने वो लेखक को कह रही है कि भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, और इस प्रकार इसके 2 घंटे बाद वहाँ से सोनाबाई गई। सोनाबाई के जो लड़के थे बहुत ही शरारती थे, एक ने एक कुर्सी पर चढ़ा, एक मेज पर चढ़ा, एक लड़की जो दवा की शीशी के साथ कथकली डांस करने लगी, उसने भी दवा की शीशी फोड़ डाली है। एक लड़का रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस प्रकार सोनाबाई के लड़के बहुत ही शरारती थे। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई वहाँ से चली गई, यह कह कर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर से कांप गया, लेखक बहुत ही डर गया, भीतर से कांप जाना यानी डर जाना। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, और कुछ लोग औपचारिकता निभाने की तो बहुत ही हद ही कर देते हैं। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं, और इस प्रकार अस्पताल में जो मरीज है उसके जो रिश्तेदार है उनसे मिलने के लिए दूसरे गांवों से आते हैं, और वे तो हद कर देते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, और ऐसे में एक टैक्सी लेखक के कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकाल कर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रख कर औंधा औंधा पड़ रोने लगा। और इस प्रकार एक आदमी लेखक के छाती पर सिर रख कर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया। और इस प्रकार लेखक को क्या हो गया है, कार वालों का सत्यानाश हो, और जिस कार ने तुम्हें ठुकरा दिया है उस कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। और इस प्रकार थोड़ी देर वो आदमी रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। इस प्रकार उस आदमी का रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई, और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। और इस प्रकार वो आदमी जिसे मिलना था उस कमरे में वो नहीं गया है, वह गलती से लेखक के कमरे में ही आ गया। और इस प्रकार वह पहले रोया और बाद में हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था, आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। और इस प्रकार वही आदमी कहता है कि आज लोग ठीक तरह से बताते भी नहीं, और जिसे मिलना है वो गुप्ता जी का कमरा लेखक के कमरे के बगल में है। हे अच्छा भाई माफ़ करना। इस प्रकार हे की धुनि करते हुए वह आदमी वहाँ से चला गया, और माफ़ करना ऐसा कहकर वह चला गया है अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, और इस प्रकार लेखक को उस आदमी से अधिक गुस्सा उसकी पत्नी पर आया। उसका कारण आगे दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। और इस प्रकार लेखक को अपनी पत्नी पर ही गुस्सा आया था, क्योंकि उसने वो जो आदमी था वो लेखक का करीबी रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे उसने दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे, और इस प्रकार सहानुभूति जताने वाले वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। और कुछ कुछ लोग अस्पताल में लेखक को मिलने आते हैं तो कभी लेखक उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते, ऐसे आदमी आते हैं।
हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, और लेखक के शहर में एक कवि है उसका नाम है लपकानंद। उनकी बेतुकी कवि कविताओं से सारा शहर परेशान है, और उनकी जो कविता है श्री लपकानंद की बेतुकी कविता है, कोई उसे सुनना नहीं चाहता। कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। और लेखक जब अच्छा था, उनकी टांग नहीं टूटी हुई थी, अगर लपकानंद सामने से आते हुए दिखाई देते थे तो वे दूर से दूसरी गली से निकल जाते थे। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएँ पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार सामने वाला कविता सुने या न सुने, लेकिन श्री लपकानंद उन्हें 10-20 कविता सुनाए बिना नहीं छोड़ते हैं। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, और इस प्रकार लेखक को मिलने वे अस्पताल में आए। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। और श्री लपकानंद ने कहा कि मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और जिस प्रकार तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी हुई है उसके कारण श्री लपकानंद कह रहे कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनानी। और इस प्रकार उन्होंने अपने झोले में से एक डायरी निकाली है, और वे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक कविता बनाई है, और वह सुनाने लगे हैं। श्री लपकानंद की कविता, असम की राजधानी है शिलांग। और जो हमारे भारत में असम राज्य है उसकी राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। तो इस प्रकार उन्होंने अपने श्री लपकानंद ने लेखक के लिए एक अच्छी कविता बनाई है। कविता सुनकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। और लपकानंद की एक आँख कवि को देखकर कह रही है कि कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। यानी जब लेखक अच्छा था, उसकी टांग नहीं टूटी थी, तब दूर से ही वे श्री लपकानंद को देखते थे और किसी अन्य गली से भाग निकलते थे, लेकिन इस समय वे भाग नहीं सकते थे क्योंकि वे अस्पताल में पड़े हुए हैं। मैंने जल्दी से चाय पिलाई, और लेखक ने चाय पिलाई, और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। इस प्रकार श्री लपकानंद को अस्पताल से बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, और लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़। वे ईश्वर से कह रहे हैं कि ईश्वर, तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, और ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ पर लेखक का कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। फिक्र यानी चिंता, हमदर्दी यानी सहानुभूति, एहसान यानी कृतज्ञता, औंधा यानी उल्टा, मुहावरा टांग अड़ाना, बाधा डालना, ताप उठना, भयभीत होना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6, पाठ क्रमांक 4, मन। इस पाठ का अध्ययन हम बाद में करने वाले हैं।